भाई हमारे स्मार्टफोन में दुनिया भर की एप्लीकेशन है, लेकिन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप जो यूज करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट है यार, तो वो आज इस वीडियो में जानेंगे। और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम और आप देख रहे हैं टेक यूनाइटेड। एंड इसी वीडियो में आज बात करने वाला हूँ कुछ 5 प्रोडक्टिव एप्स के बारे में जो आपको यूजफुल रहेगी, या शायद आपको नहीं आपके रिलेटिव्स को लगेगी, या रिलेटिव्स को नहीं आपकी फैमिली को लगेगी। तो वीडियो देख लेना यार, स्किप वगैरह मत करना यार, एक तो रिटेंशन खराब होता है, ऊपर से यार समझ जाओ यार तुम भाई लोग नहीं हो मेरे यार, तो देख लो वीडियो यार। अब भाई हमारा पहला ऐप आता है ओके क्रेडिट नाम से। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस वगैरह है, या आपने ऐसी दोस्तों वोस्तों को उधार लेके रखा हुआ है या उधार देके रखा हुआ है, तो उसको सेव करने के लिए आपके पास ये ऐप आ चुका है जी हाँ, ओके क्रेडिट। इस पे आप उधार लिख सकते हैं, आपने लिया हो किसी से, उधार देना हो किसी को, तो आप वो सब लिख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं यार। मतलब आज के टाइम में क्या ही याद रखता है यार कि मैंने इस पेपर पे सेव करके रखा था या इस पेपर पे सेव करके रखा, उधार गुम हो जाता है ना। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो हम क्यों ना हुए, तो इस पे आप सेव करके रख सकते हैं अपना उधार जिस जिसको भी दिया हुआ या लिया हुआ है। एंड वो बहुत एक मेंटेन करके रखता है, एक बहुत बढ़िया सा एक लिस्ट सी मेंटेन करके रखता है कि आपको किससे उधार लेना है, किसको उधार देना है। सो बढ़िया ऐप है यार, पर्सनल यूजेज के लिए भी काम आ जाता है और आपका बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए भी काम आ जाता है। इसमें एक और खासियत है, इसमें आपको हिंदी और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज भी मिल जाती है, प्लस आपको कुछ रिलीजियस लैंग्वेजेस भी मिल जाते हैं इसमें इनबिल्ट। इसमें आप अपने दोस्त का या एम्प्लॉय का नाम सिंपली टाइप कीजिए एंड उसका एक खाता बना दीजिए, जैसे खाता बुक बनती है वैसे बना दीजिए। एंड इसमें आप पता लगा सकते हो या लिख सकते हो कि आपने कितने लिए या कितने दिए इसको, तो वो सब मेंटेन रहती है एक लिस्ट। एंड आपका इससे प्रॉफिट भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, पता भी लग जाता है कि क्या क्या किस किस को पैसे दिए, मैंने किस किस से लेने हैं पैसे, तो एक बढ़िया सा सिस्टम बन जाता है। अब इसमें आपको एक मस्त चीज मिल जाती है, इसमें आपको कॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आप कोई किसी को मैसेज दे रहे हो कि मेरे को पैसे दे भाई, वापस दे मेरे पैसे, लेकिन अगर वो नहीं मैसेज रीड कर रहा या सीन नहीं कर रहा आपका मैसेज, तो आप सिंपली उसको डायरेक्ट ऑन कॉल भी कर सकते हो उसी ऐप की मदद से जी हाँ। एंड पूछ लो फिर, हाँ भाई क्यों नहीं दिया तूने पैसे, बता जल्दी। अब मान लो अगर वो फोन भी नहीं उठा रहा, तो आप सिंपली उसको व्हाट्सएप के मदद से रिमाइंडर दे सकते हो, हाँ भाई तूने देने वेने हैं कि पैसे नहीं, कि मैं ऑर्डर कैंसिल करूं तेरा, या मैं तेरा खाता ही कैंसिल कर दूं पूरा, तो वो सब आप नोट कर सकते हो। अब आप बोलोगे मार मार के भी तो ले सकते पैसे, कोई बात नहीं, अरे मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चुल मच रही है, अरे पहले ये तरीके अपना के देखो, अगर इससे नहीं निपटते आपके मामले तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन आपके लिए हमेशा तैयार है, पीट दो। और अगर ये आपके काम का ऐप नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने रिलेटिव्स को या आपके फैमिली मेंबर्स को ये ऐप जरूर बताइए यार, शायद उनके काम का आ सकता है। जो दोस्तों दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन आता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए, क्रिएटर्स वगैरह लोग कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको वीडियोस बना के, जैसे मैं वीडियोस बना के दे रहा हूं आपको, रील दे के दे रहा हूं, तो इसी बात पे फॉलो कर दो यार इंस्टाग्राम पे, बात चली रही है तो इन्फ्लुएंसर्स की। लेकिन बात करते हैं उन क्रिएटर्स की जिनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं होता, जो वो एडिट नहीं कर सकते उससे, तो उनके पास एक ही नजरिया होता है एडिट करने का, वो है फोन। और फोन में भाई ख्याल आता है कि प्ले स्टोर में भाई कौन सा सही एप्लीकेशन है जिससे हमारी वीडियोस और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी एडिटिंग में। मैं आपको एक ऐप बता देता हूँ, VN वीडियो एडिटर जी हाँ, ये बहुत एक सपोर्टिव वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है एक फोन क्रिएटर्स के लिए जी हाँ, बहुत सालों से ये चलता आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ये मनपसंद भी है। सो प्लीज ट्राई करके देखिए क्रिएटर्स वगैरह इन्फ्लुएंसर वगैरह, और मिलियंस वगैरह में ले लो अपने व्यूज जी हाँ, इस ऐप से सब फिल्टर्स वगैरह आपको मिलते हैं, सब जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी होती है पीसी में जो करते हो आप, वही सेम आपको इस पे मिल जाती है अच्छे तरीके से। इसमें आपको दुनिया भर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉर्मेट के मिल जाते हैं, यूट्यूब में डालनी वीडियो तो उसके लिए, इंस्टाग्राम में डालनी इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक नहीं टिकटॉक का नहीं ऑप्शन, वो तो है ही नहीं, चलो ऐप प्लेटफॉर्म ही नहीं रहा तो फॉर्मेट कैसा रहेगा। लेकिन इसमें आपको हर तरह के फॉर्मेट मिल जाते हैं, कैसा आपको रेशो बनानी है, किस टाइप की रेजोल्यूशन चाहिए, तो आपको सब कुछ कर देता है। और भाई साहब इसमें आपको की फ्रेमिंग का भी ऑप्शन मिलता है, की फ्रेमिंग जिन लोगों को नहीं पता बेसिकली उनको ही पता होता है, जिनके प्रोफेशनल एडिटर्स हैं जी हाँ, बहुत प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं, तो उनको ही की फ्रेमिंग के बारे में पता होता है, नहीं पता तो जाके गूगल में सर्च मारो पता कर लो, एंड वो भी इसमें ऑप्शन इंक्लूडेड है। और सबसे कमाल का फीचर, वोटर मार्क नहीं है इस चीज में। अब भाई हर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, क्रिएटर नहीं बन सकता, उनको चाहिए भाई साहब हाई लेवल की जॉब, और आपको पता ही है यार जॉब आने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है, रिज्यूम देने पड़ते हैं, ये वो टेस्ट देने पड़ते हैं, फलाना ठिमका सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके भी आपकी जॉब लगती है, वो भी नहीं लगती उस टाइम में, भी बोल देते हैं भाई जॉब फुल है अगले साल आना,
लेकिन आज मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, री लेवल बाय अनअकैडमी जी हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, इसकी वेबसाइट थी पहले लेकिन अब ये ऐप भी आ चुका है। इसका प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं, ऐप स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को। एंड बेसिकली आपको इसमें सिर्फ सिंपल सा एक टेस्ट देना है और स्किल्स और नॉलेज के दम पे ही आपको जॉब प्रोवाइड की गई हाई लेवल्स की, जैसे कि पेटीएम क्रेडिट वगैरह हो गए या अपग्रेड वगैरह हो गए, तो वैसे आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और आपको स्किल्स और सिर्फ नॉलेज चाहिए इस चीज के लिए, कोई झंझट नहीं रिज्यूम वगैरह बनाना, कोई टेस्ट क्लियर नहीं करना, सिंपली आपके स्किल्स और नॉलेज के बेस्ड में ये टेस्ट रहेगा। इस ऐप में आपको 50 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यस, जितनी आपको ऐसे मार्केट में जाओ तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन आपको मिल रही है। और एग्जैक्टली मतलब करना कैसे, एक सिंपल सा स्किल और नॉलेज के बेस्ड में टेस्ट क्लियर करना, एंड दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात यार, ये टेस्ट एकदम जितने भी होते हैं वो सब फ्री लेवल के होते हैं जी हाँ, कोई भी आपको पैसा वैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपके फ्री टेस्ट क्लियर होते हैं। एंड बढ़िया ऐप है यार, यूज करके देखो, एंड जिसको भी चाहिए डाउनलोड करके देखो, बढ़िया ऐप। और जितने भी आपको बुकिंग्स वगैरह करनी है स्लॉट में उस टाइम पे कर दीजिए, एंड जैसे ही आपके टेस्ट का डेट आ जाएगी, एंड उस वो आपको लैपटॉप या किसी कंप्यूटर की मदद से लेना पड़ेगा टेस्ट जी हाँ, देना पड़ेगा। फोन में ऐसा फीचर नहीं है, शायद ला दें या नहीं लाए, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ डेस्कटॉप और फोन लैपटॉप में ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो भाई सोच क्या रहे हो यार, जल्दी से ये ऐप इंस्टॉल करो और अपने स्किल्स और नॉलेज के बेस्ड में कोई भी जॉब पाओ। तो भाई तुम्हारा हो चुका एकदम सिस्टम सेट, मतलब तुम्हारे अगर खाता बुक बनानी है तो कैसे बना सकते हो, क्रिएटर तुमको बना दिया, इन्फ्लुएंसर बना दिया, तुमको मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता दिया। एंड बात आती है अगर आपको एक मेल लिखनी है या अगर आपको एक स्क्रिप्टिंग लिखनी है या कुछ लिखना है आपको जिसमें आपको स्पेलिंग एरर्स बहुत होते हैं विद योर फोन, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो वेल, इस ऐप का नाम है ग्रामली कीबोर्ड जी हाँ, आपने सुना होगा ग्रामली के बारे में, बहुत सारी एड्स भी आती है इसकी यूट्यूब में। एंड ग्रामली आपको बेसिकली आपको करेक्ट करवा देता है आपका कोई भी सेंटेंस अगर आपका रॉन्ग है, बाय ईमेल में लिख रहे हो या कहीं आपने वेबसाइट में कोई चीज भर दी है, तो वो अगर आपका सेंटेंस गलत है वो आपको खुद ही बता देगा कि ये सेंटेंस गलत है, इसको हटाओ और इसकी जगह ये भरो, ज्यादा बढ़िया गुड लुकिंग आपका मेल मिल जाएगी, तो वो सही है। तो भाई ये जो ऐप है ये खुद ही आपको एआई डिटेक्शन से ऑप्टिमाइज कर लेगा कि किस ट्यून से आप बात कर रहे हो, तो ये सब कर देगा या कर देगी, कर देगा। हाँ ये ऐप है ना, एक मतलब फोन के अंदर ऐप है, कर देगा। अब जो भाई हमारे पास अगला ऐप आता है वो बेसिकली बिजनेस यूजर्स के लिए, एंड ये आपको एकदम बिल बनाना सिखाएगा। मतलब यार अभी मैं देख रहा हूँ यार, सब लोग देख रहे हैं, मैं मार्केट वार्केट में जा रहा हूँ, सब लोग बिल दे रहे एक पेपर पे लिख के यार। मैं सोच रहा हूँ तुम पेपरलेस क्यों नहीं बन रहे यार, पेपर क्यों नहीं बचा रहे तुम। ये ऑनलाइन तरीका है एक बिल बनाने का जी हाँ, ये Zoho Invoice ऐप का नाम है इसका। एंड बेसिकली आपको ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल सकते हो एक बिल का जी हाँ, एंड शेयर कर सकते हो अपने किसी भी कस्टमर के साथ। सो ये बढ़िया ऐप है। अब इसमें आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिस जिस तरह के आपके बिजनेस है, इसमें आपको फुली ओन स्पेसिफिकेशन मिल जाती है इनकी डैशबोर्ड्स में जी हाँ, कितनी आपकी इनकम है, कितनी आपने सस्पेंड की, कितना आपने कुछ किया, तो आपको सब कुछ बिल रिलेटेड इसी ऐप में मिल जाता है। और पेपरलेस बनो यार, थोड़ी पेपर की बचत करो, यस कस्टमर को ऑनलाइन बिल भेजो ताकि उनके साथ भी रहेगा, उनके फोन में रहेगा, क्योंकि यार फिजिकली बिल का ही याद रहता है यार, किसी को यहाँ वहां रख दिया, मैं खुद भूल जाता हूँ यार मैंने कहाँ कहाँ रखा पेपर, तो वही दिक्कत है। पेपरलेस बनो यार, थोड़ी सी पेपर की बचत करो, इससे बहुत मदद होगी यार इन्वेस्टमेंट की। और इसमें आप भाई अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स भी सेट कर सकते हो खुद की कस्टमाइजेशन से, मतलब जिस रिलेटेड आपका बिजनेस है उसी तरह से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो आपका बिल का इनवॉइस। सो यार ये एक ऐप है, इसको इंस्टॉल करके देखो यार, एंड बहुत मदद होगी, मैं डेफिनेटली कहता हूँ यार आपसे। एंड इसको आप फोन पे भी चला सकते हो यार, अगर आपको डायरेक्ट फोन पे जो आपने सेव करके रखा हो आप अपने कंप्यूटर पे भी चला सकते हो जी, इनकी वेबसाइट है उससे भी आप चला सकते हो, तो बढ़िया ऐप है यार, यूज करके देखो। और एक और बात मैं बोलना भूल गया, इसमें अगर आपको प्रिंट आउट निकालना, मतलब एक फिजिकली पेपर बनाना ही आपको याद करना है या किसी को देना है इंडिविजुअली, तो आप पीडीएफ से सीधा प्रिंट आउट भी इसका निकाल सकते हो थ्रू प्रिंटर। यस, तो भाई ये थे कुछ 5 एप्स, प्रोडक्टिविटी एप्स जो आपको मदद करेगी, किसी ना किसी को तो मदद करेगी मैं जानता हूँ। एंड वीडियो पसंद है यार लाइक कर देना यार, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, लेकिन अभी भी डाउट लग रहा है कोई बात नहीं, वीडियो खत्म हो चुके, 2-4 वीडियो और जाकर डिस्कवर करो, फिर सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी, बट आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। एंड यार जाते जाते प्लीज कमेंट कर देना यार वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, मैं कमेंट्स हर किसी के पढ़ता हूँ, एंड जिसके बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे को लगे तो मैं उनको सीधा दिल दे देता हूँ अपना निकाल के, तो कर दो कमेंट। बाकी और तो कुछ मैं भूल नहीं रहा है यार, नहीं और कुछ नहीं, आप जा सकते हो, बाय।